एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि बोरो किचन। इस टेस्टी सी रेसिपी को तैयार करने के लिए दो मैंने गाजर ली थी और गाजर को मैंने छील लिया है और उसके बाद मैंने इसे धो करके रख लिया था। तो अब सबसे पहले ये जो हमने गाजर ली है इसके हम छोटे छोटे से टुकड़े कट करेंगे। एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में आपको गाजर को कट करना है। सभी गाजर को हमने कट कर लिया है, जार लिया है, तो इसमें हम कट की हुई गाजर को डाल देंगे। और अब गाजर को हम एकदम फाइन पीस लेंगे। तो इसे पीसते समय हमें इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी का यूज करना है, क्योंकि गाजर में अपने आप ही पानी होता है। गाजर को हमने पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट हमने इसका बनाया है। इसे साइड में रख देंगे कवर करके। मिक्सिंग बाउल लिया है तो उसमें 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ, 1/2 कप रवा डालेंगे। अगर आप इसे मैदे से नहीं बनाना चाहते हैं तो मैदे की जगह पे गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच इसे मैं नारियल भूरा ऐड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अगर आप चाहें तो सूखे हुए नारियल के गोले को किस करके भी डाल सकते हैं इसमें। 2 चम्मच इसे मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर डालने से आप जो मालपुए बनाएंगे उसमें एकदम मावे जैसा टेस्ट आएगा, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। मिक्स कर लेंगे एक बार सभी चीज़ों को। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने गाजर को पीस करके रखा है। जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था तो उसे भी डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब। मालपुए को हल्का सा मीठा करने के लिए इसे मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, और जो हमने गाजर डाली वो भी मीठी होती है, तो हम इसमें एक्स्ट्रा शक्कर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और अगर आप चाहें तो 1 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को गाजर के साथ पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम दूध का यूज़ करेंगे। 1 छोटी गिलास भर के दूध लिया है तो दूध ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। लम्स फेस का हमें बैटर तैयार करना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं बैटर को तैयार कर रही हूँ, सिर्फ एक साइड से ही रोटेट करना है आपको भी बैटर को। अगर आप चाहें तो इसमें कलर के लिए फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें फूड कलर का यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने गाजर डाली है, उसके कारण गाजर का अपना ही कलर होता है। मैंने इसमें पूरा 1 छोटी गिलास भर के दूध डाला है। ये बैटर हमारा एकदम तैयार है और ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की। तो इसमें हमने रवे का यूज़ किया है, तो 10 मिनट के लिए बैटर को हम कवर करके साइड पर रख देंगे। और ये बैटर हमारा जब तक रेस्ट पर है तब तक हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। मालपुए की चाशनी तैयार करने के लिए कढ़ाई में मैं 1/2 कप शक्कर डाल रही हूँ, और जितना हमने शक्कर डाला है उसका 1/2 हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब ये चाशनी को हमें तब तक पकाना है जब तक ये शक्कर हमारी एकदम अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाते। आप चाशनी तैयार करने के लिए कढ़ाई की जगह पे कोई बड़े साइज के पैन का यूज़ भी कर सकते हैं। शक्कर हमारी जब तक मेल्ट नहीं होती, बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। देखिए शक्कर हमारी मेल्ट होने लगी है। और मालपुए के लिए आपको 1 या 2 तार की चाशनी नहीं तैयार करनी है। जब शक्कर आपके अच्छे से मेल्ट हो जाए तो चाशनी बस आपको ऐसी बनानी है कि वो हाथों में जब हम इसे टच करें तो चिपचिपी लगनी चाहिए, बस उतना ही आपको चाशनी को पकाना है। शक्कर मेल्ट होने के बाद चाशनी को हमने 5 मिनट तक पका लिया है, तो एक बार हम चाशनी को भी चेक कर लेंगे। ये देखिए जब हम चाशनी को इस तरीके से उंगली से टच कर रहे हैं तो ये चाशनी हमारी हाथों में एकदम चिपक रही है। बस मालपुए के लिए आपको ऐसी चाशनी तैयार करनी है। तो गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे साइड में रख देंगे। 10 मिनट हो गया है और ये देखिए मालपुए का बैटर भी हमारा एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। और ये बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो 1 टेबल स्पून दूध में और ऐड कर रही हूँ। बटर हमारा एकदम तैयार है, तो मालपुए को एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए 1/4 चम्मच इसमें मैं खाने वाला सोडा ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे बेकिंग सोडे का यूज़ भी कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे बटर के साथ में, और इसे आपको तभी ऐड करना है जब आप मालपुए बनाने वाले हों। पहले से आपको ऐड नहीं करना है, इससे ज़्यादा पतला आपका बैटर नहीं होना चाहिए। ये देखिए तो चलते हैं गैस की तरफ। मालपुए बनाने के लिए गैस पे मैंने पैन में घी गर्म होने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो घी से मालपुए को फ्राई करें या फिर ऑयल से करें, लेकिन जब आप घी से फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मालपुए में। तो ये घी भी हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब 1 चम्मच ये हमने बैटर लिया है, ये बड़े साइज़ की चम्मच ली है, तो डायरेक्ट इसे बैटर लेंगे और ऑयल में ऐसे डाल देंगे। ये देखिए आपको बिल्कुल भी इसे शेप नहीं देना है, ये अपने आप ही प्रॉपर शेप ले लेगा। और हमने ये बड़े साइज़ का पैन का यूज़ किया है, तो हम एक साथ 3 से 4 बना करके तैयार करेंगे मालपुए।
घी आपका जब अच्छे से गर्म हो तभी आप इसमें मालपुए डालें। और घी गर्म होने के बाद गैस को हम लो कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे मालपुओं को हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही सिकने देंगे। और जब एक साइड से मालपुए हमारे सिक जाएंगे उसके बाद ही हम इन्हें पलटाएंगे। जब आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से मालपुए को सेकेंगे तो मालपुए आपके अंदर तक अच्छे से सिक करके तैयार होंगे और इसमें जो हमने रवा और मैदा यूज़ किया वो भी एकदम अच्छे से पक जाएगा। तो आप इसे लो टू मीडियम पे ही फ्राई करें। 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है एक बार के मालपुए को फ्राई होने में। 2 मिनट से ऊपर हो गया है तो एक बार मालपुए को पलटा देंगे। सभी मालपुओं को हमने पलटा दिया है तब दूसरे साइड से भी लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ऐसे ही सिकने देंगे। और ये देखिए कितने परफेक्ट एकदम गोल हमारे मालपुए बन करके तैयार हुए हैं। मालपुओं को हम थोड़ी थोड़ी देर में उलट पलट करते रहेंगे जिससे कि मालपुए हमारे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं। मालपुए हमारे दोनों साइड से एकदम अच्छे से सिक चुके हैं। मालपुओं को हमने बीच बीच में दोनों साइड से उलट पलट करते हुए सेका है और देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है। तो निकाल लेंगे मालपुओं को हम। और ये देखिए कितने एकदम परफेक्ट हमारे फूले फूले मालपुए बनकर के तैयार हुए हैं। निकाल लेंगे मालपुओं को और ऐसे ही अपने बाकी बचे हुए मालपुए भी बना लेंगे। अगर आपका घी ज़्यादा गर्म हो गया हो तो आप गैस को 1 मिनट के लिए बंद भी कर सकते हैं। और ये सेकंड बैच हमारा जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हमने ये जो मालपुए बनाए हैं उन्हें हम डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। और जब मालपुए आपके हल्के गर्म रहें तभी आपको इन्हें चाशनी में डाल देना है। एक बार पलटा देंगे जिससे कि मालपुए में दोनों साइड से चाशनी अच्छे से अंदर चली जाए। 1 मिनट के लिए चाशनी के साथ में ऐसे ही छोड़ देंगे मालपुओं को जिससे कि मालपुए के अंदर चाशनी चली जाए। जब मालपुए हल्के से गर्म रहेंगे तभी आप इन्हें चाशनी में डालें। 1 मिनट हो गया है तो मालपुओं को निकाल लेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी जूसी से गाजर के मालपुए हमारे तैयार हैं होली स्पेशल। ये देखिए इन्हें निकाल करके सर्विंग प्लेट में रख लेंगे। होली स्पेशल बहुत ही टेस्टी जूसी से गाजर के मालपुए हमारे तैयार है। आज मैंने इसे काजू से गार्निश किया है और ये देखिए कितने जूसी ये मालपुए हमारे बन करके तैयार हुए। खाने में तो इतने टेस्टी कि बच्चे और बड़े घर में इसे आपसे रोज़ बनाने की जिद करेंगे। बनाना भी बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये सोली आप मेरी गाजर के इस मालपुए की रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के लेके। बाय बाय फ्रेंड्स।